तो कभी कभी जब हम पेरोल कैलकुलेट कर रहे होते हैं टैली प्राइम में, तो जब हम पीएफ डिडक्ट करते हैं तो पीएफ जो है डिडक्ट होने के बजाय उसमें जुड़ जाता है, तो ये एंट्री गलत एंट्री हो जाती है। एक बार इसको देखेंगे और समझेंगे कि इसको सही कैसे किया जाए। तो यहाँ से बाउचर पे चलते हैं, सारा एक्टिवेट कर रखा है मैंने, और यहाँ से अदर बाउचर पे आप जाइएगा और यहाँ से आ जाइएगा अटेंडेंस पर। ये मैं ऑलरेडी अटेंडेंस पे ही हूँ, तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पे एंटर करेंगे। अब मान लीजिए हमें अपलक की सैलरी देनी है, ठीक है, सैलरी देनी है, तो इससे भी पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और हम बनाएंगे, मालूम चलेगा। यहाँ से अल्टर पे गए और यहाँ पर ये आए, और मैं आपको दिखा देता हूँ पेहेड कौन कौन से बनाए हैं। ये देखिए, ये बेसिक सैलरी है, डीए है, और यहाँ पे पीएफ देखिए। अब पीएफ को जो बनाया है, तो पीएफ में यहाँ पे आपको क्या रखना है, ये डिडक्शन होगा, क्या होगा, डिडक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिडक्शन ही आपको रखना है, ठीक है, और यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पर पीएफ अकाउंट नंबर जो भी है यहाँ पर, और ये जो है ना, ये होगा करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, और तमाम चीजें जो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये क्राइटेरिया डिसाइड किया कि 20,000 तक रहेगा तो 10% कटेगा, 20,000 से ऊपर 10%, और 25,000 से जितना ऊपर हो तो 15% पीएफ कट जाएगा। तो ये पीएफ का भी एक क्रिएट किया है, ठीक है। अब इसमें हम एक एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपलक की बात करेंगे, तो ये एक एम्प्लॉय है और इन्होंने लीव लिया है कि नहीं, तो चलिए 4 दिन इनको छुट्टी दिया, ठीक है, 4 दिन इन्होंने लीव लिया, तो इसका पैसा कटेगा, और ये डिटेल हमने बना ली। अब हम कहाँ चलेंगे, वापस चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के पेरोल की एंट्री पास करेंगे। तो ये यहाँ पे आए और यहाँ से एंटर करके यहाँ पर आएंगे। अब ये कैश में सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं और अपलक को दे रहे हैं सैलरी, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स ऑटोमेटिक आए। इसके लिए हमें क्या करना है, ऑटो फिल करना है, सारी चीज़ें ऑटो फिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी कर देंगे, और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर 30 तारीख वाला डेट सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 तारीख डाल देना है, 1/12/2023, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर सिर्फ अपलक की ही बात करेंगे, तो यहाँ से जो भी नाम है इनका एंटर करेंगे, यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम या एम्प्लॉय का नंबर किसके हिसाब से आप देखना चाहते हैं वो देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीएफ भी आया हुआ है, और अब जरा इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे 19,116 रुपये आ रहा है, ठीक है, 19,116। तो क्या पीएफ डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये देखना होगा, ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन हो जाता है कंट्रोल एन प्रेस करने से। अब यहीं पे कैलकुलेट करते हैं, जैसे क्या है, 19,795 ये है, इसको प्लस करेंगे, इसमें क्या प्लस होगा, डीए प्लस होगा, तो 197 रुपये प्लस करते हैं यहाँ पे, और प्लस करते हैं फिर 593 रुपये प्लस करते हैं, 593 ये हो गया, फिर प्लस करते हैं। अब टीए हमें प्लस करना है, तो 395 रुपये इसमें टीए प्लस करेंगे, ठीक है। तो टीए भी प्लस कर दिया, तो यहाँ पर टोटल क्या आएगा उसको एंटर करेंगे तो दिखेगा हमें, 20,980 रुपये, ठीक है, 20,980 रुपये। और पीएफ कितना कटा हुआ है, 1,866 रुपये, ठीक है। तो 20,980 रुपये माइनस कितना है, 1,866 है, तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो 19,114, बिल्कुल सही आया हुआ है। यहाँ पे देखिए पीएफ डिडक्ट हो गया। आपको खाली गलती आप कहाँ करते हैं, पर पीएफ भी डिडक्ट हो गया है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ इसको, जैसे है ये, यहाँ से बाहर आता हूँ, कंट्रोल ए पहले कर देते हैं इसको ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आकर के यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बाउचर नंबर जो भी था, यहाँ पे कंट्रोल ए कर देते हैं, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ से बाहर आ जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ गलती कहाँ हुई थी। देखिए यहाँ पर जब हम पेहेड बनाते हैं तो वहीं पे गलती कर देते हैं। अब ये जो हमारा पीएफ है ना, अब देखिए बेसिक सैलरी बनाएंगे तो हम इसे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखेंगे, ठीक है, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर डीए में आएंगे तो यहाँ पर भी इसे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखेंगे और इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एचआरए में आए तो इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखा है और अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज रखा है। लेकिन पीएफ में आएंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा, ये देखिए ये जो है एम्प्लॉयज स्टेटरी डिडक्शन में आएगा, ठीक है, और ये आएगा करंट लाइबिलिटीज में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पीएफ कट जाता है तो फिर हमें कभी मिलता नहीं है, वो फिर बाद में जाके हमें मिलता भी है विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये होता है पीएफ, और यहाँ पर गलती करने से आपको दिक्कत होती है, तो यहाँ पे गलती करने से आपको बचना है, समझ में आ गया होगा, ठीक है।